वाह, देखिए वापस नीचे आ रहा है। और ये है सेकंड स्लाइस। अच्छा, ऊपर आपने ना टाइटली हाथ रखना है। ये देखें, वही निकल गया इसमें अनार का भी। ये वापस खुद बंद होती है मशीन, हमें कुछ नहीं करना होता। ये देखें, ये बंद हो गई। मैं आपको दिखा दूं, माशाल्लाह भाई, ये पूरा जो है ना कीनू खाली है बिल्कुल। मतलब अक्सर ये होता है कि इसका जो पल्प होता है वो रह जाता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। हाईली रिकमेंडेड है। ऑनलाइन शॉपिंग का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। माने, यकीन माने, ये मेरे वर्ड्स आप लोग याद करेंगे। जब आपके हाथ में ये प्रोडक्ट आएगा ना, तो मुझे आप लाजमी दुआएं देंगे, ठीक है। तो एक और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंडी प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ, और बहुत ज़्यादा इन है ये आजकल, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मार्केट में बहुत मुश्किलों से अवेलेबल है, लेकिन आपकी बहन सर्च करके लेकर आ रही है आप लोग के लिए प्रोडक्ट्स। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और कॉमेंट बॉक्स में तो अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें कि प्रोडक्ट कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा। तो बस बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉक्स पैकिंग है, ठीक है, और इसका यूज़ करने का तरीका तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान की सहूलत है, विथ प्राइस आपको तमाम डिटेल्स स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो इसकी आप बॉडी वगैरह चेक कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी है, पोर्टेबल है, ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं भी आप इसे ले जा सकते हैं, अगर पिकनिक पर जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पर जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत ईजी इसका यूज़ है, आप देख सकते हैं कि एक तरह से नल बना हुआ है, और मैं आपको इसका पूरा कम्प्लीट यूज़ बताऊँगी। रिचार्जेबल है, इसके साथ ऑक्स केबल आता है, ठीक है, ये रहा। और कहाँ से आपने चार्ज करना है, ये बना हुआ है इसका बोर्ड, ठीक है, यहाँ से आपने ये रिमूव करना है, और यहाँ आप आराम से इसे चार्ज कर लें, फुल्ली एक घंटा लगा दें और फिर आराम से ये चार्ज हो जाएगा। अच्छा, एक सिर्फ इसका बटन है, और बहुत ईजीली जो ना आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अभी मैं इसको आपको पूरा तरीका जो है वो यूज़ करने का बताता हूँ। अच्छा जी, ये क्योंकि सिट्रस फ्रूट जूसर है, तो मैंने सारे सिट्रस फ्रूट्स ले लिए हैं, और मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही जो है ऑब्वियसली मैं यूज़ कर रही हूँ मशीन। इससे पहले मैंने कोई इसका जो है ना वो यूज़ करके नहीं देखा है, मेरे लिए भी ये न्यू है मशीन, तो आप लोग के साथ ही और आप लोग के सामने ही मैं यूज़ करूँगी फ़र्स्ट टाइम। तो मैंने ले लिए हैं कीनू, मौसमी और अनार भी ले लिया है, देखूँगी अनार का निकलता ही निकलता है, इसके अलावा ग्रेप फ्रूट, ठीक है। आप लोगों का कौन सा फेवरेट फ्रूट है विंटर, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये दिखाइएगा, इसका ये लॉक बना हुआ है, तो आपने इसे अनलॉक करना है, ठीक है। और इसका आपने जो है ना वो उसका कप देख लिया होगा, किस साइज़ का है और कितने बड़े फ्रूट्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह रखना है आपने, इस तरह नहीं रखना, इस तरह रखना है, ठीक है। और ये कप बना हुआ है बिल्कुल, ये फिक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपने ये लॉक कर देना है। ये मैंने लॉक कर दिया है, ठीक है, मैं भी आपके सामने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, ये बटन दिया हुआ है, मैंने चार्ज इसे कर लिया, थोड़ा नीचे करके दिखा दीजिएगा प्लीज़। अच्छा देखिए, इसको प्रेस करके रखना है 2 सेकंड के लिए और छोड़ देना है। इसको जो है ना वो मैंने बस दबा के रखा है ना, हम लोगों ने प्रेस करके रखा, और ये देखें जूस निकल रहा है इसका, और ये निकल गया है। अभी एक और बार चेक करते हैं कि और है इसमें। अच्छा, 360 रोटेशन है इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने ऑफ़ कर दिया है, और आगे इसे दिखा दीजिएगा प्लीज़। इसने आपने टैप खोलना है, और ये देखें, ये हाफ ऑब्वियस स्लाइस था। वाओ, ये देखिए वापस नीचे आ रहा है। और ये है सेकंड स्लाइस। हम चलते हैं, ये तो देखिए फर्स्ट ट्राई था ऑब्वियस है। ये देखिए पूरा जो है ना, बहुत ज़बरदस्त मशीन लग रही है मुझे ये, क्योंकि एकदम चढ़ गया है इसमें से जूस। अच्छा, ये मैं थर्ड स्लाइस डाल रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ हमने लॉक करना है इसे, जो इजी तरीका है, ठीक है,
इसको प्रेस करके रखना है 2 सेकंड के लिए, देन ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फिर आपने क्लिक करना है और ये स्टार्ट है। अब मुझे भी देखें, थर्ड टाइम में आया है ये बिल्कुल कम्प्लीटली, और ये आप इसका देख सकते हैं जूस निकल रहा है, ये देखें। ऊपर से आपने हाथ रखना है इस पर, ठीक है। ये वापस आता है नीचे तो समझ लें कि कंप्लीट इसका जूस निकल गया है, ये देखें। अब ये घूमता रहेगा, इसको आपने दोबारा से प्रेस करना है 2 सेकंड के लिए, ये बंद हो गया है, ठीक है। अब मैं आप इसको इसका जूस निकाल कर दिखाती हूँ। अब आखिरी जो है ना वो हाफ स्लाइस रह गया है, उसका भी निकाल लेते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे जेंट्स को अक्सर होता है कि भाई मॉर्निंग में जूस दे दें, खवातीन जो है सो रही होती हैं या कोई भी एक्टिविटी होती है, तो मर्द हजरात खुद निकाल सकते हैं, बच्चे निकाल सकते हैं। इतनी इजी मशीन है भाई ये, मुझे ये वाला गैजेट ना पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ऐसे ही गैजेट आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला रही हूँ जो मुझे खुद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने इसे स्टार्ट कर दिया, देन प्रेस किया एक और बार और ये स्टार्ट है, ठीक है। ऊपर हाथ रखना है क्योंकि थोड़ा सा मूव करता है जब ये स्टार्ट होता है, ये देखें आप, ये वापस नीचे जाएगा। मैंने तकरीबन इसे आधे घंटे चार्ज किया है। प्राइस और ऑनलाइन शॉपिंग का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब मैंने इसे दोबारा से 2 सेकंड प्रेस करना है और ख़त्म, ठीक है। और ये लीजिए भाई, ये आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा कैमरा, मैं थोड़ा अच्छा कैमरा नहीं चला रहा था, तो ये देखें ये पूरा जो है ना कीनू खाली है बिल्कुल। मतलब अक्सर ये होता है कि इसका जो पल्प होता है वो रह जाता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। हाईली रिकमेंडेड है। ऑनलाइन शॉपिंग का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। कीनू तो जो है ना वो हमारा तैयार हो गया है, ये ले आपके लिए, ठीक है। अच्छा, मेरा फेवरेट जो है ना वैसे ऑरेंज का ही है, आप लोगों को कौन सा पसंद है। अब हम जो है ना वो सेकेंड की तरफ चलते हैं, और सेकंड है हमारा मौसमी, मेरी छोटी सिस्टर का बहुत फेवरेट और ब्लड वगैरह बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये रही मौसमी। अच्छा, मैंने जो है ना वो डर डर के थोड़े छोटे साइज़ में ही लिए थे, मैंने कहा इसका जो ये साइज़ है ना उस लिहाज से आप ले लें, तो आप भी थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। वैसे तो काफ़ी बड़ा है इसका साइज़ ना। अच्छा, आपने लॉक कर दिया, ठीक है, और ये प्रेस करके 2 सेकंड के लिए रखा। एक दफ़ा स्टार्ट हुआ ये, देन एक और बार क्लिक करेंगे आप, बस ये स्टार्ट है। ऊपर हाथ रख लीजिए, और बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, हाईली रिकमेंडेड है, मैं फिर कह रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है ये। ये देखें, ये कंप्लीट होकर नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा ना तब आप समझ लीजिएगा कि ये हो गया है। देखें, ये वापस आ रहा है, ठीक है। अब इसको आपने यहाँ से दोबारा से 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है और ये बंद हो गया। अच्छा जी, मैं आप इसको निकाल कर दिखा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, देख सकते हैं आप, इसका जूस निकल गया है, इसको हम बंद कर देते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ, और ये देखें भाई, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना वो जब आपके हाथ में आएगी ना तब आपको इसकी क्वालिटी का पता चलेगा। ऐसे आपको दिखने में ये बहुत नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत हैवी है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है लोकल प्लास्टिक की। इससे पहले भी मैंने जो बहुत ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट चला था वो जूसर कप, जिसमें आप जिम में और कहीं भी जाकर शेक बना सकते हैं, वो सिट्रस का नहीं था, वो शेक्स का था, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एज़ कम्पेयर टू दिस। मतलब जब से मैंने ये मेरे हाथ में आया ना, मैं भी पहले यही समझ रही थी कि ये प्लास्टिक की बॉडी होगी, बेकार सा होगा, क्या ये जूस निकालेगा, लेकिन यकीन माने ये मुझे प्रोडक्ट ना पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे ना पोर्टेबल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आप कहीं भी ले जा सकें। मेरे भाई के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बैचलर लड़के रहते हैं अकेले, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि आराम से जो है ना वो जूस निकाल सकते हैं और अपना जो है ना वो मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं उनके जूस इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी जो मुझे लगी है कि भाई लोड शेडिंग तो कराची वालों को पता ही है, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आपको ऐसी मशीन मिल जाए जिसमें आपको लाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उससे अच्छी क्या बात है। आपने चार्ज करके रख लिया है, सुबह आप उठ रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि भाई लाइट नहीं है, फिर भी आपने जूस तो इंजॉय करना ही करना है। ये देखें, जैसे आराम से मैं आपके सामने चार्ज किया है मैंने आधा पौना घंटा, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत इजीली। मुझे टेंशन ही नहीं है कि भाई मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, लाइट चली जाएगी, मेरी मशीन नहीं चलेगी। तो ये देख सकते हैं भाई, मैं साथ साथ निकाल दी जाती हूँ और आप लोगों को बातें भी आप लोगों से करती जाऊँगी, ठीक है। ये हो गई, और इसको आपने बंद कर दिया और जूस निकाल लिया, सही है। अब इसी तरह मैं बाकी निकाल लेती हूँ, फिर हम फ्रूट की तरफ चल रही हूँ। और यकीन माने ये मेरे वर्ड्स आप लोग याद करेंगे, जब आपके हाथ में ये प्रोडक्ट आएगा ना
तो मुझे आप लाजमी दुआएं देंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में फिर आके दोबारा बताइएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा लगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे ये प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड है। ना नॉर्मली हमें ये होता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है क्या काम करेंगे, मेरे खुद के भी दिमाग में ये सवाल होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का हैवी क्वालिटी। और आपके सामने दो जो है ना फ्रूट्स के जूस निकाल दिए, जूस की दुकान खोल ली आपकी बहन ने, अब जो है ना हम निकालते हैं ग्रेप फ्रूट। ये भी मुझे बहुत पसंद है और मेरे लिए अच्छा भी है। चले जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब इसका साइज़ आप देख सकते हैं, ग्रेप फ्रूट ऑब्वियसली बड़ा ही आता है ना। ये देखें, मैं इसको कोशिश करती हूँ, सही है आ गया ये। अब इसको देखते हैं कि भाई ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। देखें लॉक नहीं हो रहा, ये लॉक नहीं हो रहा, तो यानी कि मुझे ये नहीं आएगा, छोटा चाहिए इसमें, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको ग्रेप फ्रूट जो है ना वो छोटा मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आप इतना बड़ा नहीं इसमें डाल सकते, ठीक है, या तो छील के डाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। चलते हैं अनार, ये भी मुझे आइडिया नहीं है कि भाई ये काम करेगा इस पर या नहीं करेगा, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा ये मैंने फ़िक्स कर दिया है, ठीक है, इसको ये लॉक हो गया, उसमें तो लॉक ही नहीं हो रहा था ना, इसमें लॉक हो गया है, वही सिंपल आपने करना है। अच्छा इसको रीसेट करना है आपने 2 सेकंड के लिए, देन ये स्टार्ट है। अच्छा ऊपर आपने ना टाइटली हाथ रखना है, ये देखें वही निकल गया इसमें अनार का भी, ये वापस खुद बंद होती है मशीन, हमें कुछ नहीं करना होता। ये देखें ये बंद हो गई, मैं आपको दिखा दूं, माशाल्लाह भाई। अच्छा जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा इसको दिखा तो दूं मैं आपको, ओहो गायब भाई, मतलब जो मेरी बहनें खा नहीं सकती हैं उन्हें होता है कि कौन छीले, और भाई ये आप जो है ना इसमें बस आपने लगाया, मुझे नहीं पता था कि इसमें अनार के भी निकल जाएगा, मैंने बस रख लिया था कि अगर निकल गया तो ठीक है, इसको लॉक कर दें और इसको रीसेट करना है अगर ऑन हो तो, ठीक है। सॉरी एक दफ़ा 2 सेकंड्स प्रेस करना है, ये स्टार्ट हुआ, देन एक बार और आपने प्रेस करना है, बस ये स्टार्ट है, ऊपर हाथ रखना है टाइट करके, थोड़ा सा मूव करता है ये जब ऊपर आता है ना। ये देखें भाई पल्पी जूस तैयार है, थोड़ा सा हाथ टाइटली ऊपर रखना है, ये वापस नीचे जाएगा, खुद बंद होगी मशीन, कुछ नहीं करना आपने। देखिए मैं भी आप लोगों के साथ सीख गई ना, मुझे भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि क्या करना है क्या करना है। ये भैया अनार का भी तैयार है जी। यहाँ मैं वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि मेरे बाकी अनार तो ख़राब निकल गए, तो मैं पूरा जो है ना ग्लास नहीं भर सकी। तो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ऑनलाइन शॉपिंग का नंबर विद प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इसके जो फ्रूट का साइज़ है ना वो आप देख लीजिएगा, जब आप इसको खोलेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा फ्रूट होना चाहिए। जैसे ग्रेप फ्रूट नहीं आया, और मैं वो छील कर रखने का जो है ना मुझे नहीं लगता वो काम करेगा, क्योंकि इसका फंक्शन है ये प्रेस करता है, क्योंकि फ्रूट प्रेसर है ना एक तरह का, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं करेगा अगर मैं छील कर रखूँगी। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।